हेलो एवरीवन, मूवीज अपडेट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य रॉय कपूर और समंथा की एक नई वेब सीरीज के बारे में, जिसको राजन डीके डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि इससे पहले फैमिली मैन जैसा शो डायरेक्ट कर चुके हैं। और ये वेब सीरीज एक थ्रिलर वेब सीरीज होगी, जहाँ पे इस वेब सीरीज का टाइटल रखा गया है रक्त बीज। एंड उसके बाद बात करते हैं शाहिद कपूर और मुरल ठाकुर की लव स्टोरी के बारे में। देखो, ऐसी न्यूज आ रही है कि ये दोनों एक साथ एक लव स्टोरी मूवी में दिखने वाले हैं, जिसके डायरेक्टर का नाम तो अभी सामने नहीं आया है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर कोई तेलुगु डायरेक्टर हैं, और इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हमें जल्दी सुनने को मिलेगी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम मुरल ठाकुर और शाहिद कपूर के इस पेयर को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। एंड इसके बाद बात करते हैं कल की 2898 एडी के बारे में। देखो, इस मूवी को लेकर एक ऐसी थ्योरी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, और वो थ्योरी है दिलकर सलमान के कैरेक्टर कैप्टन को लेकर। और वो थ्योरी ये है कि दिलकर सलमान का कैरेक्टर ही परशुराम है, जहाँ पे इसके पीछे का रीजन ये आ रहा है कि जो परशुराम थे उन्हें ट्रेनिंग दी थी कर्ण को, एंड वो कल्कि के भी गुरु होने वाले हैं कलयुग में। जहाँ पे दिलकर सलमान के कैरेक्टर की थ्योरी ये है कि जब भैरवा कैप्टन के बारे में बताता है कि किस तरह कैप्टन ने उसे पाला और किस तरह ट्रेन किया और सब कुछ सिखाया, एंड अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि भैरवा असली में कौन है। एंड दूसरा रीजन ये है कि परशुराम कभी बूढ़े नहीं होंगे, और जब हम कैप्टन के कैरेक्टर को नोटिस करते हैं कि जब भैरवा एक छोटा सा बच्चा रहता है तब, और फिर उसके बाद जब भैरवा यंग हो जाता है तब भी कैप्टन का लुक एकदम सेम दिखता है, यानी उनकी एज में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो पहले थे। और तुम्हें क्या लगता है कि दिलकर सलमान ही परशुराम होंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। एंड उसके बाद बात करते हैं कल्कि पार्ट 2 के बारे में। देखो, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं अश्विनी दत्त, उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि कल्कि के पार्ट 2 की 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे अब बस मेजर पोर्शन की ही शूटिंग बाकी है, जिसपे जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। एंड उनकी प्लानिंग ये है कि कल्कि के पार्ट 2 को वो 2025 के समर में रिलीज करने का सोच रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो। एंड उसके बाद बात करते हैं प्रवास की नेक्स्ट मूवी के अनाउंसमेंट के बारे में, जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, जिसका नाम है स्प्रिट। देखो, ऐसी अपडेट आई है कि इस मूवी का एक ग्लिम्प्स अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज होने वाला है ऑडियो फॉर्म में, जैसे कि एनिमल मूवी के अनाउंसमेंट में हुआ था। एंड इस ग्लिम्प्स को रिलीज करने की प्लानिंग 23 अक्टूबर 2024 को हो रही है। एंड कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। एंड उसके बाद बात करते हैं हॉरर कॉमेडी सिनेमेटिक यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी के बारे में, जो कि होने वाली वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। और इस मूवी में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल प्ले करने वाले हैं, जहाँ पे आयुष्मान खुराना इस मूवी में वैम्पायर का रोल प्ले करेंगे। और करेंटली ये मूवी अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है, जहाँ पे ऐसे सुनने में आया कि ये मूवी की शूटिंग नवंबर 2024 में स्टार्ट होगी। और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे मुंजा मूवी के डायरेक्टर आदित्य सतपुदर। तो क्या तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड तुम कमेंट में जरूर बताना कि तुम इन सब मूवीज में से कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीज जरूर करना। एंड तुम मेरी कल की मूवी का रिव्यू जरूर चेकआउट करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।